नमस्ते। कश्मीर को लेकर पाकिस्तानियों के फैलाए झूठ का भ्रम जाल अब फटने लगा है और कश्मीर के युवा खुद दुनिया भर में कश्मीर की खुशहाली की कहानी बयां करने लगे हैं, जिसको लेकर पाकिस्तानियों में घबराहट फैल गई है। लिहाजा अब कश्मीर को लेकर जो कार्यक्रम होते हैं उसमें अपनी बौखलाहट दिखाने के लिए पाकिस्तानी पहुंचने लगे हैं। ताजा घटनाक्रम अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन का है, जहां कश्मीर को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तानी शख्स ने हंगामा करने की कोशिश की, जिसका कश्मीरी युवाओं ने मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तानी शख्स की वहीं पर बोलती बंद कर दी। भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में विकास, शांति और जमीनी लोकतंत्र के प्रसार के बारे में बात करने के लिए कश्मीर घाटी के युवा नेता वाशिंगटन डीसी के नेशनल प्रेस क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में बुलाए गए थे, जिसमें इंटरनेशनल सेंटर फॉर पीस स्टडीज ने कश्मीरी युवा मीर जुनैद और तौसिफ रैना को कश्मीर फ्रॉम टर्मोनाइल टू ट्रांसफॉर्मेशन शीर्षक नाम से एक पैनल डिस्कशन के लिए आमंत्रित किया था। ये फोरम पूरी तरह से कश्मीर के घटनाक्रम और उसकी जमीनी स्थिति पर केंद्रित था। लिहाजा कश्मीर में बदलते हालात को दुनिया के सामने लाते हुए मीर जुनैद ने अपनी शुरुआती टिप्पणी में कहा कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कश्मीर का शांति, समृद्धि और प्रगति की भूमि के रूप में पुनर्जन्म हुआ है। जम्मू और कश्मीर ने कई बदलाव देखे हैं और एक प्रदर्शनकारी राज्य से एक प्रगतिशील केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि हमें अब विवादास्पद बयानबाजी से अलग हटकर देखना पड़ेगा। जो देश वैश्विक मंचों पर ढोल बजा रहे हैं, दुनिया को लगातार मूर्ख बना रहे हैं, उनका कश्मीर की शांति, प्रगति और समृद्धि से कोई लेना देना नहीं है। इस तथ्य को स्वीकार करें कि कश्मीर उनके लिए एक अस्तित्वगत समस्या है। नाजरीन, हम है आज गुलमर्ग के उस सहतफजा मकाम पर मौजूद जो कश्मीर के अंदर इतना ज़्यादा मशहूर है विंटर टूरिज्म को लेकर के। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं और विंटर्स टूरिज्म और स्पोर्ट्स टूरिज्म के लिहाज से अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा तादाद जो है इस साल इस मौसम में जो है सैलानियों की है। और अगस्त 5/2019 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज़्म जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सयाहों की तादाद जो है रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है। मौसम जो है वो भी बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं कि आसपास बर्फ़ से लदी ये पहाड़ियाँ जो हैं चिल्ला चिल्ला के पुकार रही हैं कि सयाहों को कश्मीर में आना चाहिए और लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए। मीर जुनैद ने पाकिस्तान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो कश्मीर में हिंसा की आग क्यों जलाए रखना चाहता है। कश्मीरी एक्टिविस्ट मीर जुनैद जब पाकिस्तान की पोल खोल रहे थे और दुनिया भर में फैलाए गए उसके झूठ को दुनिया के सामने रख रहे थे, उसे पाकिस्तानी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इतना ही नहीं, मीर जुनैद ने अलगाववादी समूह तथा कथित सर्वदलीय हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं को भी आड़े हाथों लिया और उनके भविष्य के बारे में सवाल पूछे कि कैसे इन नेताओं की वजह से कश्मीर दशकों तक अशांत रहा है और अब कैसे कश्मीर शांति की दिशा में जा रहा है। तो इन नेताओं का कैरियर खत्म होने लगा है। कार्यक्रम में मीर जुनैद ने कहा कि अब कश्मीर में कानून का राज्य है, जिसकी वजह से कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का पतन हो चुका है। मीर जुनैद जब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तान की पोल खोल रहे थे तब भी मुट्ठी भर प्रदर्शनकारियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और कार्यक्रम के दौरान हंगामा करने लग गए। एक पाकिस्तानी प्रदर्शनकारी ने चिल्लाकर कहा कि तुम्हें मुसलमान होकर भी शर्म नहीं आती है। लिहाजा जब वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन पाकिस्तानियों को धकेल कर वहां से बेइज्जती करके कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकाला तो वो पाकिस्तानी अपनी औकात पर उतर आया और वहीं पर गाली गलौज करने लग गया। पाकिस्तानी शख्स के हंगामा करने के बाद कश्मीरी एक्टिविस्ट मीर जुनैद ने पाकिस्तानियों की और बेइज्जती कर दी और कहा कि पूरे दर्शकों ने आज आपका असली चेहरा देखा है। हमने कश्मीर में जो देखा है, हमने आज वाशिंगटन में जो देखा है और दुनिया को यह दिखाने के लिए धन्यवाद कि ये लोग कितने क्रूर और निर्दयी है। ये पूरी घटना कैमरे में भी कैद हो गई जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि मीर जुनैद जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी के अध्यक्ष हैं। वह एक लेखक और कश्मीर विश्वविद्यालय से लॉ ग्रेजुएट हैं। मीर जुनैद ने कहा कि आपने यह सब देखा और शुरू से उन्होंने यही किया है जो वे यहाँ पर कर रहे हैं। उन्होंने मुझे AK-47 के बैरल से चुपकाने की कोशिश की है।
अगर आप उन्हें AK-47 दिए तो वो हमें जान से मार देंगे। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सच को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।